टोकन इसका फुल फॉर्म है नेक्सजेनिक टोकन, और ये टोकन के जो कंपनी है दुबई से है, और जो हमारे सीईओ है वो केन्या से है, उनका नाम है जोसेफ नगवाड़ा, जो खुद के 7 साल से ट्रेडर रह चुके हैं। वो दुबई में फॉरेक्स ट्रेडिंग पिछले 7 सालों से कर रहे हैं। और इस बार हमारा कंपनी का कॉन्सेप्ट था कि कोई ऐसा एक क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करें जो इंटरनेशनली यूज़ हो सके, और उसी तरह हमारी कंपनी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो टोकन है ज़्यादा से ज़्यादा ये इस्तेमाल हो इंटरनेशनल फ़्लाइट बुकिंग्स में, इंटरनेशनल जो चार्टर्ड फ्लाइट्स आते हैं या फिर लग्जूरियस स्टे रिसॉर्ट्स का जो बुकिंग होता है इनमें यूज़ हो। क्योंकि क्या होता है यूजुअली बहुत बड़ा हमको खर्च आ जाता है, जब बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, अगर आप कार्ड पेमेंट करते हैं 1.5 से 2% लगते हैं, जबकि आप इस टोकन के ज़रिए अगर करेंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई भी कंट्री का बीच का भी कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। वरना आपको सवाल पूछेंगे कोई भी कंट्री से आपको कोई पैसा आता है तो पूछते हैं किस लिए आया है, क्यों आया है, बैंक फ्रीज होता है। बट यही डिफरेंस है कि जब आप नॉर्मल अपने एसेट्स को डिजिटल एसेट्स में बदल देते हैं तब आपको किसी से सवाल कोई पूछेगा नहीं आपसे, आपको इजी ट्रांजैक्शन हो जाएगा, हाई स्पीड में हो जाएगा, और कोई बिना बॉर्डर के लिमिटेशंस के हो जाएगा। तो हमारा एनजीसी टोकन्स को प्री लॉन्च करने का मकसद ये है कि कंपनी यहाँ से इनिशियल ऑफरिंग करेगी, कॉइन ऑफरिंग करेगी, लोग खरीद सकते हैं। टोटल 1 करोड़ कॉइन का सप्लाई है कंपनी का, जिसमें 40% मतलब 40 लाख कॉइन को इनिशियली कॉइन ऑफरिंग बोलते हैं, जो पब्लिक को ओपन रहेगा, जो खरीद सकते हैं। और इस 40 लाख कॉइन के बदले 40 लाख कॉइन उनको रिटर्न्स में मिलेगा एज ए स्टेकिंग रिवॉर्ड, मतलब जो भी कॉइन खरीदेगा उसको 1 साल तक इसको स्टेक करना है, होल्ड करना है, और इसके बदले कंपनी उनको जितना खरीदा है उतना ही एक्स्ट्रा कॉइन उनको दे देती है, मतलब उनका कॉइन डबल हो जाता है 1 साल के अंदर। और इसका जो मेन लॉन्चिंग हमारा ओन एप्लीकेशन का लॉन्चिंग होगा 8 जून को होगा, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड के फंक्शन के स्टेज पर ही होगा, और हमारे सीईओ सर भी उसमें अटेंड करेंगे। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो वेल एस्टैब्लिश ब्रांड है, हर कोई जानता है। एनजीसी की बात करें कहीं ना कहीं नया ब्रांड है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किस तरह के आप कैंपेन चलाने वाले हो, और आदित्य को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के पीछे का क्या कारण है? सी आदित्य खुराना इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने का हमारा ये मकसद है, क्योंकि एक यूथ आइकॉन है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, इंटरनेशनली वो लोग उनको जानते हैं। और क्या होता है आजकल ज़्यादातर क्रिप्टो के अंदर यंगस्टर्स ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात है और बहुत उम्र वाले लोग इसको समझने में उनको थोड़ा वक्त लगता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, नया टेक्नोलॉजी क्या है। तो यूथ आइकॉन है इसलिए हमने उनको ब्रांड एम्बेसडर करके चुना है इसके लिए, और उनका कनेक्शंस ओवर द सीज इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छा है। और हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी इस फंक्शन के बाद इसी महीने में वो तंजानिया भी जा रहे हैं, वहाँ भी हमारा कैंपेन चलने वाला है मार्केटिंग का। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। तो कंपनी का मकसद ये है कि पूरे वर्ल्ड में इसका लॉन्चिंग हो जाए। और पहले से हम लोग अभी इंडिया को क्यों चुना है, क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं, इंडिया इज़ ए वेरी बिग मार्केट इन द वर्ल्ड। सो जो दुबई की कंपनी है इसने भी इंडिया को ही चुना है प्री लॉन्च करने के लिए और लॉन्चिंग करने के लिए। तो हम मार्केटिंग के लिए ही कंपनी में 10% टोकन्स को रखा हुआ है, मतलब 10 लाख टोकन सिर्फ मार्केटिंग और कोलैबोरेशन के लिए ही कंपनी ने रखा हुआ है, जिसको हम यूज़ करके मार्केटिंग को बढ़ाएंगे। रेवेन्यू मॉडल क्या होगा आप लोगों का? सर कंपनी के अंदर जो भी टोकन आप खरीदेंगे, इस टोकन के अंदर आपको जो भी टोकन खरीद का डबल आपको टोकन्स मिलेगा। अब जो भी अमाउंट कंपनी के अंदर में आएगा इसको हम पिछले 7 साल से कंपनी जो ट्रेड कर रही है उस ट्रेड को कंटिन्यू करेगी, और उसके अंदर प्रॉफिट जनरेट करके इसको जब एक्सचेंजर में लिस्ट करेंगे, हम जून 8 को उसी आइकॉनिक अवार्ड के स्टेज में ही इसको सीडेक्स हमारा एक्सचेंजर है उनसे ऑलरेडी टाई अप हो चुका है, वहाँ पे पहले हम लिस्टिंग करेंगे, वहाँ पे जो ये लोगों ने खरीदा है वैल्यू उससे बेहतर वैल्यू में ही उसमें लिस्टिंग हो जाएगा। और उसके बाद का हमारे जो वाइट पेपर में मेंशन किया है कि आने वाले क्वार्टर्स में बाई 2024 अप्रैल 30th और May 1st, जो कि 1 साल पूरा हो जाएगा प्री लॉन्चिंग से लेकर, उस टाइम तक बिनेंस और अदर एक्सचेंजर्स में भी आ जाएंगे। पहले 6 महीने की बात की जाए तो कितने एप्लीकेशन आपको लगता है लोग डाउनलोड करेंगे और यूज़ करेंगे? सर अभी प्री लॉन्चिंग स्टेज में है, अब हमने एप्लीकेशन लॉन्च नहीं किया है, तो यहाँ से
प्री लॉन्चिंग में जितना भी लोग प्रमोशनली खरीदेंगे उनको कंपनी एक ऑफर दे रही है कि 10% एक्स्ट्रा टोकन्स दे रही है, जितना खरीदेंगे उससे 10% ज़्यादा दे रही है। और एप्लीकेशन की बात की जाए, यह होगा जून 8 को लॉन्च, जो अपना ओन एप्लीकेशन। हमारा टारगेट ये है कि अगर कोई 100 टोकन भी खरीद लेता है, 8,850 से 100 टोकन का वैल्यू होगा $100, एक टोकन का वैल्यू है इनिशियल ऑफरिंग में $1, तो 8,250 या 8,300 आएगा। यहाँ पे एक बंदा बल्क में खरीदे ये ज़रूरी नहीं है, बट बहुत सारे यूज़र्स हो ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। तो कंपनी 100 टोकन भी ऑफर कर रही है, तो इसके अंदर हमारा टारगेट है कि बहुत सारे लोगों के पास रीच हो जाए और एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बन जाए जहाँ पे लोग अपना एक साल बाद जब फ्यूचर में यूज़ करेंगे इसको, तो ट्रैवल में, टूरिज्म में, इन सब में, हर बंदा तो ट्रैवल करता है फ्लाइट से, तो फ्लाइट बुकिंग में अगर आप इंडियन कार्ड्स में जाते तो बहुत सारा झमेला है। इसमें क्या है, वन क्लिक के अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ सब कुछ हो सकता है। ऑनलाइन की बात की जाए, कहने के लोगों को एक डर सा लगता है कि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, और आप एक साल तक होल्ड करने की बात कर रहे हैं, लोग आप पे क्यों ट्रस्ट करें? हाँ सर, पहला बात तो यह है कि जब क्रिप्टो का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये किस ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। तो हमने जो ब्लॉकचेन यूज़ किया है ये BSC का है, मतलब बिनेंस का ब्लॉकचेन है जिसको हमने यूज़ किया हुआ है, विच इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी। और मेटामास के अंदर हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बना हुआ है सीडेक्स के साथ, वो पब्लिक को विजिबल रहेगा जून 8 के बाद, जहां आप चेक कर सकते हो कि जेन्युइनली ये प्रोजेक्ट चल रहा है। क्योंकि बहुत सारा क्रिप्टो का प्रोजेक्ट क्या होता है, सिर्फ वेबसाइट में दिखता है, कहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना होता है। तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, आपको ट्रांसपेरेंसी है, कॉइन का सप्लाई दिखेगा, कितना बिका है वो दिखेगा एक्सचेंजर के अंदर, और कितना पेंडिंग है सब ट्रांसपेरेंटली आपको दिखेगा। आदित्य, मेरा सवाल एक आपसे है। जी सर। कहीं ना कहीं NGC टोकन का चेहरा आप है। जी सर। कितनी जिम्मेदारी आपको लगती है इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको निभाने का भार कहेंगे आपके कंधों पर है, आपको क्या लगता है कितना सक्सेस हो पाएंगे, और इससे आपका ब्रांड और आपका फेस वैल्यू कितना जुड़ा है, इसका क्या फ़ायदा होगा? सर, जब ये ऑफर मेरे पास आया था तब उनके बाद खुद सर ने मुझे 3 दिन एक्सप्लेन किया था, क्योंकि आपको भी पता है, हमें पता है कि कितने सारे कॉइन्स मार्केट में है और इनका वैल्यू आज कितना है, फिर आगे जाके इनको क्या होता है, ये कंपनी कब क्या टर्न हो जाती है सबको पता है, तो मेरा भी उनके, आपने जो सवाल उनके लिए पूछा, मेरे भी सारे सवाल उनके लिए थे। 3 दिन हम लोग साथ में बैठे, 3 दिन उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने मुझे सब समझाया, उसके बाद जाके मैंने बोला कि ओके फाइन, वी कैन गेट इट ओवर द सीज एज वेल, फिर उसके बाद मैं उनके साथ जुड़ा। मैडम, आपका रोल क्या है इस कंपनी में और आप क्या करेंगे? नथिंग, दिस इज ही इज माय वेरी डियर फ्रेंड, और बीइंग एन एक्टर एंड एन इन्फ्लुएंसर, आई ऑलवेज बिलीव इन सपोर्टिंग योर फ्रेंड्स। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल क्रिप्टो इज़ अ न्यू करेंसी, यू नो इट इज़ समथिंग लाइक एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव इट। समटाइम्स क्या होता है कि क्रिप्टोज कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप अपने से बड़े सेट्स यू कैन बाय, बट दिस क्रिप्टो इज़ गिविंग समथिंग रियली गुड ऑफर्स। आई वुड रियली वॉन्ट कि सारे लोगों को इसका पता चले, मैं इन्हें सपोर्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इतना ट्रैवल करती हूँ, आई बाय सो मच, मेरा पूरी जो लाइफ स्टाइल है पूरी डिजिटल ही है। सो आई थिंक बींग डिजिटल, आई थिंक सबको इसका पता लगना बहुत ज़रूरी है, और जो ऑफर वो दे रहे हैं, आई थिंक इट्स रियली फैंटास्टिक, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड नो अबाउट इट। एंड बिकॉज बींग एन इन्फ्लुएंसर एंड एन एक्टर, यू इन्फ्लुएंस सो मेनी पीपल, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर हिम, सो आई एम हियर टू सपोर्ट हिम। आप बताएंगे बेटा, आजकल जो मनी है डिजिटल हो रहा है, पहले हमारे वक्त में कैश फ्लो बहुत होता था, ये जो तब्दीली है उसको आप किस तरह से युवा पीढ़ी के नज़रिए से देखते हैं? लाइक मैं यंगस्टर हूँ तो मेरे लिए बहुत ही ईजी हो गया है कि कैश लेके घूमना इज़ लाइक बहुत ज़्यादा ये हो चुका है। अभी कैसा होता है, कोई चीज़ें मैं मार्केट में ख़रीदने जा रहा हूँ, सो मेरे लिए सभी लोगों के पास स्मार्टफोन होता है तो पैसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ़ोन निकाले, जीपे ओपन करके स्कैन, सो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है ना पैसे कैरी करना। लाइक मैं अगर मेरी पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ, सो मेरे पास ना जब भी पैसे होते हैं ना जेब में, तो वो गिर जाते, कभी भी हमेशा गिरते हैं, ऐसा नहीं कभी कि पैसे नहीं गिरे, 500,000 जितने भी हो पैसे जेब में से गिर जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत इजी हो चुका है कि कहीं पर भी जाओ, पैसे लो नहीं लो, बस फ़ोन लेके घूमो और स्कैन करो एंड एवरीथिंग इज़ डन। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और इन फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो करेंसी का ही टाइम है, ठीक है। अभी नोट्स एंड ऑल सब जब बंद होता है इन फ्यूचर, ठीक है, ये भी बंद होता है, देन क्रिप्टो करेंसी इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है, वो फ्यूचर है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। सेम सवाल बेटा आपसे भी है, आप भी इसी उम्र से हैं, तो आपका क्या टेक है इस पे? मेरा ये टेक है, बिकॉज़ सिंस हम लोग यंग है,
तो यू नो एक्टर है इन्फ्लुएंसर है तो वी अर्न अ सर्टेन अमाउंट एंड उसको यू नो इन्वेस्ट करना अच्छी तरीके से इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि बीइंग यंग आपको यू नो पैसे का उतना नॉलेज नहीं होता है तो यू नो गोइंग टू बैंक एंड ऑल ऑफ दैट इज अ बिग यू नो मेस क्योंकि हम Gen Z को फोन ज़्यादा पसंद है एज ही सेड तो कन्वीनियंस के हिसाब से दिस इज अमेजिंग बिकॉज दिस इज वेरी कन्वीनियंट एंड यू नो एक सेविंग्स होती है अलग चीज़ होती है जो बैंक में होती है घर में होती है बट क्रिप्टो करेंसी इज समथिंग कि वो डबल होती है एंड यू नो उसको अगर आप कन्वीनियंटली ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं यू नो दे आर गिविंग हॉलीडेज एंड सच अमेजिंग ऑफर्स सो हॉलीडे किसको नहीं पसंद है आप ही बताओ सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड आई फील लाइक यंग जनरेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो एक सेफ जगह पे अपनी अमाउंट यू नो सेव कर सके फ्रॉम अ यंग एज ताकि आगे जाके यू नो ये हैबिट कल्टिवेट हो जाए उनमें सो या आई फील इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड अमेजिंग क्या क्रिप्टो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है हम बिलीव कैसे करें कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका आगे चल के कुछ मिसयूज ना हो या फिर हमारे पैसे डूब जाए ठीक है तो एक बहुत अच्छा सवाल है इनका तो क्या होता है यूजुअली इंडिया में जो क्रिप्टो राइट नाउ रेगुलेटेड नहीं है और इलीगल भी नहीं है लेकिन गवर्नमेंट 30% टैक्स दे रही है आपके प्रॉफिट के ऊपर और गवर्नमेंट उसको G20 के जो समिट है इसमें उसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है कि उसको रेगुलेशंस लेके आए तो क्रिप्टो में क्या है जब भी आपके बैंक अकाउंट में अगर उसको आप ट्रांसफ़र करके लेंगे कोई भी अमाउंट क्रिप्टो से तो उसका प्रॉफिट का जो आपको इनकम टैक्स का 30% आपको भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को जब आप इंडियन स्टॉक मार्केट भी करते हैं वहाँ भी 30+3+1.5+0.5 सेस ओवरऑल 35% आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है तो अगर आप डिजिटली रख रहे हो और बट आप किसी और को पे कर रहे हो डायरेक्टली तो वो टैक्स एप्लीकेबल नहीं है ओके जब तक आपके पैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ज़ेरोधा में आप ट्रेड करते हो इंडियन मार्केट में आपका अमाउंट बैंक अकाउंट से जाएगा ज़ेरोधा के ब्रोकर के अकाउंट में वहाँ पे ट्रेड होगा ट्रेड होने के बाद फंड वहीं रहेगा तो टैक्सेबल नहीं है अगर वो आप अपने बैंक अकाउंट में वापस लेते हैं यूटिलाइज करते हैं तब जाके आपको टैक्स पे करना पड़ेगा तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आप जो कंपनी रजिस्टर्ड है दुबई में क्योंकि इंडिया में अभी भी रेगुलेटेड नहीं हुआ है जब वजीर एक्स थी इंडिया के अंदर में वो भी जब इंडिया में जब रूल्स आया कि क्रिप्टो के ऊपर कुछ और वो रूल्स लेके आ रहे हैं तब वजीर एक्स भी शिफ्ट हो गया दुबई को क्योंकि दुबई इज़ अ ज़ीरो टैक्स कंट्री है जहाँ पे आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई चार्जेस नहीं ओनली फिजिकल गुड्स के ऊपर अभी से वो लोग लगा रहे हैं तो क्या है दुबई में रजिस्टर्ड है कंपनी कम्प्लीटली ब्लॉकचेन के ऊपर है ट्रांसपेरेंसी है आपको आपको एक्सचेंजर पे देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी जहाँ पे आपका कॉइन का सप्लाई सेलिंग कितना पेंडिंग है सब क्लियरली आपको ओपनली दिखेगा जो जेन्युइनली दिखेगा और इसके अंदर जब आप फॉर एग्जांपल आप किसी और का वैलेट में ट्रांसफ़र करते हो ओके फंड आप किसी को फंड भेजना है तो ट्रांसफ़र करने पर आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा जब वैलेट टू वैलेट हो रहा है और हमारा टारगेट यही है कि जून में लॉन्चिंग के बाद हम इंडिया के अंदर जितने भी शॉप के लोग हैं या कोई ऑनलाइन शॉपिंग वाले लोग हैं इन सब के अंदर हमारे टोकन्स के वो लोग ट्रांजैक्शन को यूज़ कर सके इस तरह का एक वैलेट लेके आ गए ताकि आप लोग जब भी कोई ख़रीदना हो ई कॉमर्स वेबसाइट से हो या किसी से हो इस डिजिटल हमारे एसेट को यूज़ कर सकते हैं उससे बाय कर सकते हैं ठीक है ना किसी को कुछ पूछना है थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच फ्यूचर का तो मैंने खुद का भी नहीं देखा है तो एनजीसी टोकन का आई थिंक ऑल डिपेंड ऑन द मार्केटिंग के अस्कान कैसे मार्केटिंग करते हैं इस चीज़ को उनका प्रोडक्ट है उनका बच्चा है जैसे मैं अपने बेबी को लेकर जहाँ भी प्रमोट करता हूँ आइकॉनिक अवार्ड्स को जहाँ पे मैंने इतने साल कंप्लीट किया तो वो उनके ऊपर है कि कैसे प्रमोट कर रहे हैं एज़ ही हैज़ कम टू आर प्लेटफॉर्म हमारे प्लेटफॉर्म पर वो आए तो हम अपने तरफ से बेस्ट प्रमोशंस दे रहे हैं बाकी फ्यूचर ऑल द कस्टमर्स विल डिसाइड आप अपने प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या किसी को एंडोर्स करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं जिम्मेदारी बहुत होती है ना सी फर्स्ट थिंग हम कोई जिम्मेदारी लेते नहीं है कोई भी प्रोडक्ट हो आइदर इट मे आज हो सकता है आ जाए किसी को नहीं पता था कि बिटकॉइन आज जाके 35 लाख का बनेगा जबकि स्टार्टिंग में उसको कहते हैं मदर कॉइन एंड इट वॉज ऑलमोस्ट 4 पैसा तब किसी को नहीं पता था कि जो 4 पैसा में खरीदे आज वो लखपति बन जाएगा तो कोई कॉइन्स जितने भी लॉन्च हो हमारा काम है स्पॉन्सर को वेलकम करो स्पॉन्सर को उनकी मार्केटिंग दो अपने तरफ से बेस्ट करो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वी डोंट टेक ऑफ एनी वन बिकॉज
सीजन वाइज के बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते हैं. अब सबके आप पता नहीं उनके क्या बैकग्राउंड रहेंगे. हमारा काम है कि सीजन भर उनको प्रमोट करो, स्पॉन्सराइज करो एंड सब करो एंड वी एंड इट. उतने में हमारे मार्केटिंग अपना बेस्ट देते हैं, एंड वी डू ऑल द बेस्ट फॉर द मार्केटिंग. बट अगेन डिपेंड्स दैट हाउ ही इज गोना टेक दिस प्रोडक्ट अहेड. I got involved because also one of the co-founder is the brand ambassador and जैसे वो man of the world है तो पूरे worldwide में उसका वो है name है and also my friends like okay so we are doing the best marketing for this. Yeah. किसी को कुछ पूछना है? Thank you sir. Oh wow. Yeah. Sounds so really firstly, good. जैसा वो सुनाई देता है मजेदार. तो how is your feel on that because you just came and get to know about it, the new currency of the era. Of course, it's like everything is very very digital right now these days. GPay hai, phone pay hai, and online apps to aapko pata hi hai like kitne sare chal pade hain. So why not currency? And if the currency is very interesting like this, so then why not? Even I want to grab so many. लेकिन समय के साथ साथ ना रिस्क भी हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो GPay भी हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूँ. तो उस रिस्क के जो फैक्टर हैं उसको कैसे I think this one is with some other concept. So I don't think so that कि बहुत ज़्यादा risk की ज़रूरत है इसमें. And risk तो देखो अभी हर चीज़ में है, चाहे वो dance हो, चाहे वो glamour हो, चाहे वो Instagram reels हो, हर जगह ही risk है. तो थोड़ा सा तो लेना पड़ता है. And talking about your dance risk, which you usually do with the collaborations, चाहे वो राखी सावंत है, कमाल की और भी actors and actresses. अभी देखो वो रिस्की तो था कि सिर्फ मेरी प्लेटफॉर्म पे आपको अर्शी और राखी एक साथ देखने को मिलेंगे, उसके अलावा सिर्फ बिग बॉस में देखने के लिए मिले थे वो एक साथ. सो या अगेन इट्स अ रिस्क बिकॉज फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल बोथ ऑफ देम ऑल टुगेदर. दोनों की लड़ाई चलती रहती कि हाँ व्यूज मेरे ज़्यादा आएंगे, व्यूज मेरे ज़्यादा आएंगे. बट येस एंड ऑफ द डे आई एम हैप्पी बिकॉज दे ऑल आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स. So India is a big market for the people. Lekin, aapke khud ki baat kare to, are you having any plan to go somewhere else and shoot recently? Koi hai abhi upcoming? Yeah, I'm going to Dubai soon for my new video songs. So let's see agar wahan par bhi ye jo coin hai wahan par acha work kar paata to. Because Mohammed is me and he's my very 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 good friend and he's launching this coin. So yeah, of course I'm with him. When you soon. Soon? Soon is like very big. No, this soon is not that big. It's very soon. Anything else you wanna try? As we have seen you much dancing and acting, right? What else you do? Like, if I ask, you dance for your thing, you act, right? But what's your free time wala way? Yes. I don't think so कि मैं कभी भी free होता हूँ. मुझे वो खुद को ही लगता है because मोस्ट लोगों को लगता है कि क्रिएटर बनना बहुत ईजी है, बट इट्स नॉट दैट सिंपल. आई नो आई एम शूटिंग लाइक ऑल डे एंड नाइट फॉर एवरीथिंग. और लुक्स को हैंडल करना, फिर साथ वाले पार्टनर को हैंडल करना, फिर कुछ स्मूचिस को हैंडल करना, फिर कुछ सिडक्शन को हैंडल करना, इट्स वेरी टफ. सो आई थिंक लोगों को लगता है कि इट्स वेरी इजी, बट इट्स नॉट दैट ईजी. I love the way you are bold, just like Aki Sawan. I can see the answer happening. Thank you so much. Any other question we have, right? No? Thank you everyone.